इस मामले में अब यह भी खुलासा हो रहा है कि पंजाब पुलिस ने 14 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस को पत्र लिखकर कहा था कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा गैंगस्टर संपत नेहरा अपने गुर्गों के जरिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने की साजिश कर रहा है। इसके बाद राजस्थान एटीएस के एटीआईजी अंशुमान भोमिया ने राजस्थान के एडीजी सिक्योरिटी को पत्र लिखकर इस पर आगे की कार्रवाई करने को कहा था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह सिंगर। जयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने दोनों शूटरों की पहचान कर ली है। एक शूटर नितिन फौजी है जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। दूसरा शूटर रोहित राठौर है जो कि नागपुर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों शूटर संपत नेहरा, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और इनको खास तौर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए हायर किया गया था। पुलिस ने उस कार की पहचान भी कर ली है जिस कार से ये दोनों शूटर आए थे। इस मामले में पंजाब पुलिस ने 14 मार्च को राजस्थान पुलिस को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि बठिंडा जेल में बंद संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की प्लानिंग कर रहा है और ये हत्या वो अपने गुर्गों के जरिए करवा सकता है। इसके लिए वो जेल के बाहर AK-47 की भी व्यवस्था कर रहा है, यानी कि हत्या को वो AK-47 से अंजाम दिलवा सकता है। पत्र में ये भी कहा गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है और दंगे फैल सकते हैं। इसके बाद 14 मार्च को ही जो राजस्थान एटीएस के डीआईजी हैं उन्होंने एडीजी सिक्योरिटी राजस्थान को एक पत्र लिखा था और इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और राजस्थान पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और इसके बाद जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं उनकी हत्या उनके घर पर कर दी गई। तो इस मामले में जो राजस्थान पुलिस है वो लगातार इस गैंगस्टरों के नेटवर्क को खंगाल रही है। हालांकि हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला रोहित गोदारा देश से बाहर है और सोशल मीडिया के जरिए उसने हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब सवाल यह है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा पर भी कुछ मामले दर्ज हैं और ये बात भी सामने आई है कि वो लगातार जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके जो राइवल्स हैं उसके साथ मिला हुआ था। क्योंकि रोहित गुजारा ने अपने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है उसमें ये कहा है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है वो लगातार उसके दुश्मनों का साथ दे रहा है, इसीलिए उसकी हत्या करवाई गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में जो ज़मीनों पर कब्जे हैं, शराब के कारोबार का जो पैसा है, लिकर के कारोबार में जो पैसा है और रंगदारी है, इन तमाम चीज़ों से जो गैंगस्टर्स हैं वो पैसा कमाते हैं। और गैंगस्टर अनंत पाल की हत्या के बाद राजस्थान में रोहित गोदारा उसका पूरा काम दिख रहा है और उसने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया है। जांच के दौरान कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे वो भी कुछ ज़मीनों के कब्जे में जुड़े हुए थे। इसको लेकर जो दूसरे राइवल गैंग हैं उनके बीच में टकराव हुआ और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, गोल्डी बराल गैंग ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की प्लानिंग की। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जो गैंगस्टरों का नेटवर्क है उसको पूरा देखा जा रहा है और जो शूटर्स थे वो किस तरह से संपत नेहरा, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए थे इसको लेकर जांच चल रही है। हथियार उनके पास कैसे पहुंचे इसको लेकर जांच चल रही है और किस तरह से ये राजस्थान जयपुर पहुंचे इसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।